भिदरा की सोनिया सा भिदरा भी आया आज बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे जाता है तुम्हें देखे मेरिया। पूरा उत्तरकाशी जो है आपको दिख रहा है यहाँ से। हम निकले थे दोस्तों यहाँ से, यहाँ पे भगवान स्वयं परशुराम जो है यहाँ पे भगवान बिमलेश्वर महादेव की जो है पूजा अर्चना करते हैं। और जैसे और देखिए इतनी खड़ी ललान पे जो है दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से ही पहाड़ी राय दुर्गेश में। तो स्वागत है आपका देवी भूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से। तो दोस्तों चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी हम जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह पे, मैं और महेश भाई, मेरे साथ हैं महेश भाई। और महेश भाई के साथ जो है आज एक बहुत ही अच्छी जगह पे जाने वाले हैं और आपको भी वहाँ पे हम जो है लेके जाएंगे और वहाँ से आपको अच्छे अच्छे व्यू और अच्छे अच्छे नज़ारे और अच्छे अच्छे जगहों के बारे में आपके को बताते जाएंगे रास्ते में। तो चलिए मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। ये तो बस मुझको पता है तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी हता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तो अभी हम जिस जगह जाने वाले हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता वहाँ पे अभी तक कोई गया होगा, किसी ने वो जगह जो है एक्सप्लोर की होगी। तो अभी मैं और महेश भाई फर्स्ट ऐसे होंगे जो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ का जो है आपको भी वहाँ के बारे में वहाँ का नज़ारा आपको भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए और देखते रहना, तब तक लास्ट तक देखना दोस्तों। तो अभी हम कहाँ से आए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये रहा यहाँ पे ज्ञानसु और यहाँ हमारा रूम है नीचे। तो वहाँ से जो हम निकले हैं अभी आधा घंटे पहले और वहाँ से जो है हम लगातार इस चढ़ाई पे आ रहे हैं यहाँ से। और अभी हम लगभग आधा एक किलोमीटर तक हम पहुँच गए हैं। और है तुम्हें देखे मेरी आंखें और महेश भाई इसमें क्या मेरी कथा, रोमांटिक हो रहे हैं, हाल क्या है मेरे दिल का तो बता है। जान तो मेरी जान है यार, दल तो मैं जान भी दे दूंगा, अभी मांग तो ले पहले, स्पीड पे चढ़ जाऊंगा ऊपर भी चढ़ जाऊंगा, वहां से कूद जाऊंगा अभी। और ऊपर देखिए जंगल लगना अब शुरू हो गया, मतलब काफी घना जंगल यहाँ से लगना शुरू हो गया है। और जो रास्ता है वो भी जो है संकरा होना शुरू हो गया यहाँ से, घाटी यहाँ से देखिए घाटी जो है संकरी और यहाँ से जंगल वगैरह भी लगना शुरू हो गया इधर उधर से। तो अभी हम यहाँ पे 2 मिनट बैठ गए हैं, नीचे से आते आते थक लग गया, यहाँ से काफी चढ़ाई थी और चलते चलते थक भी लग गया और गला भी सूख रहा है। तो थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करते हैं फिर से। तो चलिए पहले पानी पी लेते हैं यहाँ से। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे यहाँ जो जंगल है दोस्तों, ये इन जंगलों में देखिए दोस्तों, ये जो मिट्टी खोद रखी है तो ये मिट्टी किसी इंसानों ने नहीं दोस्तों, जंगली सुअरों ने जो है ये इस मिट्टी को खोद रखा है यहाँ पे। और पूरे गदेरे में जो है नीचे तक जो है पूरे गदेरे में मिट्टी खोद रखी है जंगली सुअरों ने। और इस खड़ी चढ़ाई को देखिए दोस्तों, पैर बिल्कुल टेढ़े हो रहे हैं इस खड़ी चढ़ाई में और जूते और पूरी बॉडी जो है पीछे के लिए ढलान मार रही है देखिए। और देखिए इतनी खड़ी ढलान पर जो है दोस्तों पत्थर गिर गए यहाँ पर, इस रास्ते से मैं आया था इस बारीक बारीक पगडंडे से और यहाँ से मेरे पैर से जो है यहाँ से पत्थर खिसक गया। तो काफ़ी खड़ी ढलान है देखिए आगे, ऊपर देखिए वो जो आपको टॉप दिख रहा है ऊपर, वहाँ जो टॉप दिख रहा है
तो उस टॉप के ऊपर जो है हमें अभी जाना है। तो यहाँ से अभी तो लगभग 2 घंटे लगेंगे दोस्तों वहाँ पहुँचते पहुँचते। बोले इससे प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बोल ले भाई, चल ठीक है, पोज मार दे एक बढ़िया से जरा। नीचे से मत मारना, ऊपर गेले कहीं पता लग रहा नीचे गिर गया। पैर ऊपर रखना उधर वाले, उसमें ऐसे में क्या है भाई गिर गई। ओ दादा थोड़ा देख आते हैं इधर जंगल जंगल ला। हां बस नना वो नो इधर कड़ी एक बार हो बजरा को लकड़ी ना घूमने हो बे खोवा देख लिया जरा। तो प्यार महेश भाई कितना थक लग रहा है भाई? बहुत थक लग रहा था। खड़ी चढ़ाई है ना भाई, और आगे भी ऐसी होगी ना आगे, तो और भी डेंजर है भाई। भाई देख लो यहाँ पे एक ऊंचा पत्थर दिख रहा है मुझे, तो उसके ऊपर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं नीचे का नज़ारा कैसा दिख रहा है वहाँ से। और जय हो भाई, दिख गया दिख गया महेश भाई, यहाँ से दिख रहा पूरा उत्तरकाशी। हाँ 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 ये पूरा उत्तरकाशी जो है आपको दिख रहा है यहाँ से। हम निकले थे दोस्तों यहाँ से, इधर साइड से जो है हम निकले थे इस धार से, और यहाँ से निकले थे हम, और इस जंगल के रास्ते से होकर के हम इस खड़ी ढलान पे जो है होके आए हैं। और अभी हमें और भी ऊपर जाना है, जितना हम नीचे से ऊपर आए उतना ही जो है अभी हमें और ऊपर जाना है। तो यहाँ देखिए हमने जो है कमरे से संतरे वगैरह भी ले आए थे, पहाड़ी संतरे, तो अभी हम इसको यहाँ पे बैठ करके इसको खा रहे हैं, इसका खाने का आनंद ले रहे हैं जंगलों में। देखो भाई लोगों, हमें जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो चीज हो गई है। हमने सोचा कि ऊपर ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के पास इतना बड़ा रास्ता मिल गया हमने चलने के लिए। सीधा रास्ता मिल गया दोस्तों यहाँ से, और देखिये यहाँ से इस चढ़ाई के रास्ते जो हम ऊपर आए, और यहाँ से एक रास्ता आगे के लिए जा रहा है, और वहीं इसी रास्ते के मतलब सहारे हम आगे आगे जाएंगे और सीधे मंदिर के पास जाएंगे जहाँ पे अभी हमें जाना है। तो अभी हम आगे से उस रास्ते से चल चल के जो है यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ से आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ से जो है उत्तरकाशी का कैसा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो देखिए मेरे पीछे ये रह गया पूरा उत्तरकाशी का नज़ारा, और कितना मतलब खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, मतलब बहुत ही ज़्यादा गजब दोस्तों। सामने देखिए ऊँचे ऊँचे पहाड़, और चारों तरफ जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ हमारा उत्तरकाशी। देखिए ये रह गया पूरा उत्तरकाशी। यहाँ पर कैसा लगा महेश भाई? यहाँ बहुत ही बढ़िया लगा यार, मजा आ गया। यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, बहुत ही गजब आ रहा है। और हम थोड़ी देर यहाँ यहीं पर रहे, फोटो वाटो ली, और अभी हम आगे के लिए निकल गए यहाँ से मंदिर के लिए। तो आपको भी लेके जा रहे हैं हम वहाँ पे मंदिर के पास, और कराएंगे वहाँ पे मंदिर के दर्शन। और मंदिर की विशेषता भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, मंदिर बहुत ही रहस्यमय मंदिर है और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है दोस्तों। रास्ते से जाते होंगे तो पुराने जमाने के लोग जो है इन्हीं रास्तों के जरिए जो है एक दूसरे गांव से मतलब संपर्क उनका बना रहता था। तो ये जो है पुरानी पगडंडियां हैं दोस्तों, और इसी पगडंडियों के जरिए जो है लोग आपस में जुड़े रहते थे। आज भी जो है लोग इन रास्तों का प्रयोग करते हैं। अभी हम जहाँ पे जाने वाले थे मंदिर के पास, तो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं,
अभी थोड़ा सा ही रह गया है, यहाँ पे सामने दिख रहा है मंदिर, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी दोस्तों आज यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो चलिए आपको अभी दर्शन कराएंगे मंदिर के। मंदिर के गर्भगृह में, तो चलिए दोस्तों ये रहे भगवान बिमलेश्वर महादेव, और यहाँ पे बिमलेश्वर महादेव की शिवालय है यहाँ पे, और यहाँ पे भगवान बिमलेश्वर महादेव की प्रतिमा, अष्टधातु प्रतिमा, और यहाँ पे देखिए ये है बिमलेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी में, और बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। इस पे देवदार की लकड़ियों का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे है बिमलेश्वर महादेव जी की देव डोली और ढोल, और यहाँ से आप परिक्रमा वगैरह कर सकते हैं। देखिए ये है, और यहाँ पे आजकल पूजा पाठ वगैरह चल रहा है बिमलेश्वर महादेव के मंदिर में। और चलिए अभी बाहर लेके चलते हैं आपको, और यहाँ पे दरवाजे देखिए दोस्तों, ये सारे दरवाजे जो हैं देवदार की लकड़ियों के बने हुए हैं। सभी को जय बिमलेश्वर महादेव। तो अभी हम पहुंच गए हैं बिमलेश्वर महादेव के मंदिर में, और यहाँ देखिए ये चारों तरफ जो है आपको चीड़ और देवदार के वृक्ष दिख रहे होंगे। यहाँ से सारा जो है चीड़ का पेड़ है सारे, और इधर साइड जो है सारे देवदार के पेड़ हैं। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये आपके उत्तरकाशी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे वर्णावत पर्वत के जो है शिखर पर जो है स्थित है ये मंदिर, और ये जो है भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित मंदिर है। भगवान बिमलेश्वर महादेव के रूप में जो है यहाँ पे पूजे जाते हैं, और यहाँ की एक बहुत ही प्रचलित कहानी है दोस्तों कि यहाँ पे भगवान स्वयं परशुराम जो है यहाँ पे भगवान बिमलेश्वर महादेव की जो है पूजा अर्चना करते हैं, और जैसे रात को वो पूजा अर्चना करते हैं और सुबह तक जो है यहाँ पे उनके जल चढ़ाया हुआ और फूल पुष्प वगैरह जो है सारे जो है आप शिवलिंग पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी मान्यता है दोस्तों। तो ये रहा सामने मेरे पीछे बिमलेश्वर महादेव मंदिर, दोस्तों आज यहाँ पे हम अपनी ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, और मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, और नया ब्लॉग बहुत ही जल्द आपके बीच मैं लाने वाला हूँ। और चलिए आज की ब्लॉग यहाँ पे एंडिंग करते हैं, और
मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, और तब तक आपको जय देव भूमि उत्तराखंड, जय बाबा बिमलेश्वर महादेव। तो महेश भाई कैसा लगा आज का ब्लॉग, एक बार बता दे जरा। भाई साहब मुझे ब्लॉग में ना बहुत अच्छा लगा यार दोस्तों, और इतना मजा आया, इतना मजा आया कि लाइफ का सबसे बेस्ट दिन रहा आज का। इतना मजा आया कि बहुत मजा आया, मैगी भी खाई, भगवान के दर्शन भी हुए। हमने ऐसे जंगल में कल्पना नहीं कर पाई कि हम ऐसे मतलब लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, लेकिन मतलब रास्ते सुगम हो गए थे। जब मेहनत करते हैं तो हर कोई मतलब सुगम हो जाता है। तो चलिए, महेश भाई को भी बहुत ही अच्छा लगा और मुझे भी काफी इंजॉय लिया हमने आज ये जंगलों के बीच में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय,